धार व इंदौर जिले के बीच आने वाले गांव काली किराय और ढाल में केमिकल से व्यक्ति, जीव जंतु, पेड़ पौधों को भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। इस समस्या को लेकर भारतीय ट्राइबल पार्टी इंदौर के जिला अध्यक्ष प्रकाश भारूड़ और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल सिंगारे जैस पहुंचे वहां अपनी अपनी टीम के साथ नुमाइना करने। वहां जाकर देखा गया कि एक साल पहले मानपुर में किया गया केमिकल डंप, जिसकी वजह से वहां के लोगों को और पेड़ पौधों को, जानवरों को भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है और आसपास के रहने वाले लोगों को 5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। शासन और प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। धर्मपुरी से सुनील वास्कले की रिपोर्ट। सर, आपका कैसे आना हुआ यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। देखिए सर, यहाँ पर जैसा कि हमको पता चला कि जो काली किराय ग्राम पंचायत मानपुर के अंदर जो केमिकल डंप किया गया था, वो केमिकल का पानी अभी तक भी काला आ रहा है, ब्लैक कलर का आला आ रहा है। तो हम ये निरीक्षण करने के लिए पहुँचे कि भाई क्या स्थिति, वस्तु स्थिति क्या है। तो हमने जब वस्तु स्थिति यहाँ पर देखी तो पानी अभी तक भी काला आ रहा है और निरंतर आ रहा है। पूरी बरसात निकल गई, कुछ फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर जितने भी जीव जंतु थे वो अभी तक, मतलब यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। और भी जिन लोगों की मवेशियाँ मरी है, जिन लोगों की गाय मरी है या जिन लोगों की बकरियाँ मरी है, उन लोगों को अभी तक किसी प्रकार का कोई उचित मुआवजा या किसी, पहले साल, एक साल हो चुका है इस चीज़ को। साल भर पहले जो केमिकल डंप किया गया था मानपुर में, जिसकी वजह से पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु और हमारे समाज के कई लोगों को इस केमिकल डंप की वजह से काफ़ी नुकसान और क्षति पहुंची है, उसका नुमाइंदा हम आज लेने के लिए पहुंचे। और आज भी हम लोगों ने यहाँ देखा गया, जिसकी वजह से काफ़ी हमारे लोगों को इस पानी की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। आप लोग एक बार उधर दिखा सकते हैं, ये जो पानी जा रहा है, ये पानी का कलर आज भी, साल भर पहले भी काला था और आज भी वैसा का वैसा ही है। और शासन प्रशासन की अनदेखी की वजह से हम लोगों ने कुछ समय पहले इसके लिए आंदोलन भी किया था, लेकिन उस आंदोलन का अभी तक सरकार ने कोई ना निर्णय कुछ भी नहीं लिया है। और हम सकते हैं ये काला पानी इधर दिख रहा होगा आपको साथियों, और हमारे बीच में यहाँ पर भारतीय ट्राइबल पार्टी BTP के जिला अध्यक्ष, आप यहाँ पर प्रकाश बारूड जी है, हम उनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। सर, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? जैसे कि आपको पता होगा कि पहले यहाँ पर बरसात से पहले यहाँ पर जो लाखों 11 लीटर यहाँ केमिकल डंप हुआ था घाट से ऊपर, जी जी, और पानी गिरने से यहाँ पर जो केमिकल है वो रिस के ये नदी में आ गया था, पूरी नदी में। और इसमें हम लोगों ने मानपुर में आंदोलन भी किया था, जी सर जी, प्रदर्शन भी किया था जी, कि यहाँ के लोगों की जिसकी ज़मीन ख़राब हुई है जी, और कोई की गाय भैंस मर गई है, किसी की बकरियाँ मर गई है जी जी, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर फूड़ी फोंक से जैसे नुकसान हुआ है, तो किसी को यहाँ पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तक इन लोगों को कोई भी सहायता राशि नहीं दी है, कोई मुआवजा नहीं दिया है। तो हमको अभी पता चला है वापस कि वहाँ पर केमिकल वापस वैसे के वैसे ही आ रहा है जी। तो हम लोग यहाँ देखने के लिए आए तो वास्तव में पानी बहुत दूषित है, बहुत गंदा पानी है। आप लोग दिखा सकते हो कितना जहरीला पानी अभी भी जा रहा है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा इंसानों पर, जानवरों पर, पक्षियों पर जी सर, फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप क्या चाहते हैं, मतलब सरकार से, प्रदेश सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों को मुआवजा दिलाएं। अभी तक मतलब आपके कहने का मुआवजा नहीं मिला इन लोगों को? हाँ, जिनकी मवेशियां मरी, पूछा गया तो अभी तक यहाँ पर बकरियां मरी, मुआवजा नहीं मिला है जी जी जी। और मैं इंदौर जिला और अपना खरगोन जिला, धार जिला से इन SP और कलेक्टर से भी मैं जी निवेदन करता हूं कि आप लोग आइए और यहां पर निरीक्षण कीजिए, वास्तव में यहां स्थिति क्या है, ये पता चले आप लोगों के भी। बस यही कहना चाहता हूं और सरकार से यही कहना चाहता हूं, जो इन लोगों का नुकसान हुआ है इनको मुआवजा दिया जाए, नहीं तो भारतीय ट्रैवल पार्टी और BTTS यहां पर मिलकर फिर यहां पर आंदोलन करेगी, उसकी जवाबदारी सरकार और प्रशासन की रहेगी जी। बिल्कुल, तो आप देख, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रकाश बारूड भील है, BTP जिला अध्यक्ष इंदौर। तो साथियों, देख सकते हैं आप कि ये थे BTP के जिला अध्यक्ष भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रकाश बारूड जी, जिन्होंने अभी यहाँ पर
प्रदेश सरकार से मुआवजे की मांग की और कलेक्टर एसपी को यहाँ पर आने के लिए सूचित किया है। तो हम भी ये चाहेंगे कि कलेक्टर और एसपी साहब और तमाम प्रशासनिक अधिकारी जल विभाग के यहाँ पर आए और इस पानी का निरीक्षण करें। और हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।